हेलो फ्रेंड्स, आपके विश्वसनीय चैनल बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बीएससी फाइनल ईयर के इंग्लिश लैंग्वेज के फाउंडेशन कोर्स है उसके जो सिलेबस है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं सिलेबस पर। तो सिलेबस पर जाने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जो आपका पेपर आएगा वो 30 मार्क्स का होगा और जो आपके सी से हुए हैं वो 5 मार्क्स से होंगे, तो टोटल मार्क्स 35। ठीक है, तो हम देखते हैं एक एक यूनिट। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में है, फर्स्ट लेसन स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। सेकेंड चेरी ट्री, ये रस्किन बॉन्ड द्वारा। द एक्स आर के नारायण जी द्वारा लिखा गया है। द सेल्फ इज जेंट, ऑस्कर वाइल्ड द्वारा। ऑन द रूल ऑफ द रूट, ए जी गार्डनर द्वारा। द सॉन्ग ऑफ कबीर, ट्रांसलेटेड बाय टैगोर जी द्वारा। तो आपको इनके नाम भी याद रखने हैं कि लेखक का नाम क्या है और लेसन का नाम क्या है, क्योंकि ये मिलान में आ जाते हैं। यूनिट सेकेंड में है बेसिक लैंग्वेज स्किल, इसमें आपको लैंग्वेज के बारे में देखना पड़ेगा, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, एक्टिव पैसिव वॉइस, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, मिसयूज्ड वर्ड, सिमिलर वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। तो ये हैं आपके बेसिक लैंग्वेज के बारे में। यूनिट थर्ड में आपको रिपोर्ट राइटिंग देखनी पड़ेगी, नरेशन स्किल्स देखनी पड़ेगी, नरेशन ऑफ इवेंट्स एंड सिचुएशंस, इनके बारे में जानना होगा। यूनिट फोर में आपको ड्राफ्टिंग ऑफ ईमेल्स के बारे में, और यूनिट फिफ्थ में आपको ड्राफ्टिंग सीवी के बारे में। हमने इसी चैनल पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे उन पर बहुत से स्टूडेंटों का बहुत ही पॉजिटिव कमेंट आया कि सर इसमें से बहुत सारे बहुत हेल्प हुई, तो उनका बहुत बहुत आभार। और आप बताइए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है बीएससी में, चाहे वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो। आई एम ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प ऑल स्टूडेंट। ओके, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार।